हेलो, पिछली वीडियो में हमने देखा कि डिज़ाइन टैब में क्या क्या होता है। इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन टैब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट होता क्या है। जब हम किसी भी स्लाइड को डिस्प्ले करवाते हैं तो एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है तो जो हमें एनिमेशन दिखाई देता है उसको ट्रांजेक्शन इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, ये जो प्रेजेंटेशन है ये 3 स्लाइड की यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बहुत सी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी ट्रांजेक्शन हमें चाहिए वो ट्रांजेक्शन हमारी स्लाइड में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सपोज करो हमने ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक किया हुआ है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई ट्रांजेक्शन चाहिए, जैसे ये रैंडम बार ये चाहिए, तो ये देखो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गई। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे देखो ये ट्रांजेक्शन का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंबल ये शो करता है कि ये जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है इसमें ट्रांजेक्शन लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे सेकेंड स्लाइड है, इसमें ट्रांजेक्शन का सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं लगा हुआ है, ना तीसरी स्लाइड के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगा हुआ है। तो इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ पे नन पे क्लिक करना है, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे हट जाएगा। तो इसमें कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन फिर नहीं आएगा। अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करो यहाँ पे हमने क्लिक किया, कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन चाहिए, जैसे ये शेप का यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये शेप का आ गया। तो इसके बाद हम ये हमारी दूसरी स्लाइड है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाना है, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन ग्रुप के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं हमारे पास बहुत से ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कौन सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन चाहिए वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज करो हमें यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे जैसे डिजॉल्व ये क्लिक किया तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। या और चाहिए जैसे देखो फॉल ओवर ये चाहिए, तो इस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। या कर्टन ये चाहिए, तो ये देखो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो सपोज करो ये ट्रांजेक्शन हमने दूसरी स्लाइड के लिए लगाया। अब तीसरी स्लाइड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसके लिए कौन सा ट्रांजेक्शन चाहिए, फिर यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। अब कौन सा चाहिए यहाँ पे, जैसे ये सभी ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे, कौन सा चाहिए, जैसे विंडो का चाहिए तो ये विंडो का आ गया। अगर यहाँ पे पेन का चाहिए तो ये आ जाएगा। अगर ऑर्बिट का चाहिए, सपोज करो हमें यहाँ पे ऑर्बिट का चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो तो यहाँ पे तीसरी स्लाइड के लिए ये ऑर्बिट का ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने तीनों स्लाइडों को अलग अलग ट्रांजेक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिए। इसके बाद हम कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड शो यहाँ पे आ जाएगा। ये फर्स्ट स्लाइड के लिए लगाया हुआ है, ये सेकंड स्लाइड के लिए हमने ये लगाया हुआ है ट्रांजेक्शन, और थर्ड स्लाइड के लिए हमने ये ट्रांजेक्शन लगाया हुआ है ऑर्बिट का। तो इस प्रकार हम तीनों स्लाइडों को अलग अलग ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑप्शन। इफ़ेक्ट्स ऑप्शन के मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत से इफ़ेक्ट आएंगे जो कि हम अपनी स्लाइडों में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाना है। कौन सा इफ़ेक्ट यहाँ पे लगाना है, जैसे ये फर्स्ट है सर्कल, ये देखो सर्कल का आ गया, ये इफ़ेक्ट हम लगा सकते हैं। सेकंड के लिए यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाना है, इसके लिए अलग अलग स्लाइडों के लिए अलग अलग इफेक्ट लगाना है। सेकंड के लिए यहाँ पे लगाया हमने डायमंड का, तो ये देखो सेकंड के लिए डायमंड का इफेक्ट यहाँ पे लग गया। अब थर्ड स्लाइड के लिए हम अलग इफेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, जैसे आउट का यहाँ पे इफेक्ट लगाया, ये आउट का इफेक्ट यहाँ पे लग गया। ये तीनों स्लाइडों को हमने अलग अलग इफेक्ट लगा दिए। इसके बाद हम चेक करना चाहते हैं कि किस स्लाइड को कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, तो हम कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे या यहाँ पे जाएंगे स्लाइड शो पे जाएंगे। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद ये देखो फर्स्ट पे लगा हुआ है, ये सेकंड पे लगा हुआ है, ये थर्ड स्लाइड के लिए लगा हुआ है। तो ये इफेक्ट यहाँ पे हम
लगा सकते हैं। इसके बाद आगे जो है, आगे है साउंड। अगर हम ये तीनों स्लाइडों में अलग अलग साउंड यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हम तीनों स्लाइडों को अलग अलग साउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम फर्स्ट स्लाइड को, ये कौन सी, यहाँ पे बहुत सी साउंडें आ जाएंगी, यहाँ पे कौन सी साउंड चाहिए, जैसे फर्स्ट वाली चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका प्रीव्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं स्लाइड शो, या यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये देखो ये फर्स्ट के लिए ये साउंड हमने लगाई हुई है। अब सेकंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद साउंड पे जाएंगे, यहाँ पे सेकंड के लिए कौन सी साउंड चाहिए, तो सेकंड के लिए हम जैसे कैश रजिस्टर ये साउंड यहाँ पे लगानी है, इसका प्रीव्यू यहाँ से चेक करेंगे, ये देखो सेकंड के लिए ये साउंड यहाँ पे लगाई हुई है। अब थर्ड के लिए साउंड सेट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे थर्ड पे स्लाइड पे, उसके बाद साउंड पे जाएंगे और यहाँ पे कौन सी साउंड यहाँ पे चाहिए, तो जैसे ये विंड के ये साउंड चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, इसका प्रीव्यू चेक किया, ये देखो ये साउंड यहाँ पे लगी हुई है। अब सभी का दिखना है स्लाइड शो, तो फर्स्ट पे क्लिक किया स्लाइड पे, इसके बाद F5 की प्रेस की, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इस प्रकार हमने तीनों स्लाइडों को अलग अलग साउंड यहाँ पे अप्लाई कर दी। इसके बाद अगर हम ये साउंड को हटाना चाहते हैं तो हम ये साउंड जो लगाई हुई है इसको हटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गए 9 साउंड, ये फर्स्ट के स्लाइड के लिए साउंड नहीं चाहिए। अब सेकंड पे क्लिक किया, इसके लिए भी साउंड नहीं चाहिए, तो 9 साउंड पे क्लिक करेंगे, ये भी हट जाएंगे। ये तीसरी स्लाइड के लिए, इसके लिए भी साउंड नहीं चाहिए, यहाँ पे 9 साउंड पे क्लिक किया, तो ये साउंड जो है अब यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पे साउंड हटाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, इसका जो हमने ये ट्रांजेक्शन लिया हुआ है ये है, इसके बाद आगे है सेकंड के लिए हमने चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेकंड का चेंज करने के लिए, जैसे ये ग्लिटर ये चाहिए, तो ये देखो सेकंड का आ जाएगा। ये थर्ड का, इसका भी चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए रोटेट ये चाहिए, ये रखा। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट के लिए ये जो ट्रांजेक्शन हमने सेट किया हुआ है, हम चाहते हैं कि ये ट्रांजेक्शन इसका चेंज करना है, जैसे यहाँ पे 5 सेकेंड्स यहाँ पे रखा हुआ है, हम यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे भरा हमने 4। ये जो ट्रांजेक्शन है जो फर्स्ट स्लाइड के लिए हमने लिया हुआ है, ये इसका ड्यूरेशन कितने सेकेंड तक चले, यहाँ पे हमने भरा हुआ है 4 सेकेंड तक ये इसका ट्रांजेक्शन यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड का चलेगा। सेकेंड के लिए हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन चेंज करेंगे, सेकंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सेकंड के लिए ट्रांजेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने किया जैसे 0 करने के बाद यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन रखेंगे 5 सेकंड्स, ये 5 सेकंड्स सेकंड के लिए सेट किया। अब थर्ड के लिए हमने इसका ट्रांजेक्शन चेंज करना है, इसका ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे 2 ही रखा, तो हमने थर्ड के लिए 2 सेकंड्स ड्यूरेशन रखा, सेकंड के लिए हमने 5 सेकंड्स रखा और फर्स्ट स्लाइड के लिए हमने 4 सेकंड्स रखा। तो ये हमने ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे स्लाइड शो पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखो ये ट्रांजेक्शन फर्स्ट स्लाइड के लिए रखा था, इसके बाद ये सेकंड स्लाइड के लिए इतना रखा था जितना हमने सेट किया था, उतना ड्यूरेशन यहाँ पे आ गया, और ये थर्ड स्लाइड के लिए हमने 2 सेकंड्स ये रखा था, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेट कर सकते हैं। इसके बाद है अप्लाई टू ऑल, जैसे ये है, ये जो 2 सेकंड्स है, अगर हम सारी स्लाइडों में ये टाइम सेट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, अप्लाई टू ऑल यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे स्लाइड शो पे जाएंगे, ये देखो इसके लिए भी सेम 2 सेकंड्स, दूसरी स्लाइड के लिए भी 2 सेकंड्स और तीसरी स्लाइड के लिए भी 2 सेकंड्स। तो यहाँ पे
इस प्रकार अगर हम अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है ये सभी स्लाइडों के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद है एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक एक ये है यहाँ पे इसके बाद है आफ्टर। तो ये अगर हम माउस का क्लिक ना करें तो हम यहाँ पे आफ्टर में टाइम सेट कर सकते हैं कि बिना माउस क्लिक के इतने टाइम के बाद अगली स्लाइड आए। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास तीन स्लाइड है, हम इनको टाइम सेट करेंगे कि बिना माउस के क्लिक के ये स्लाइड अपने आप ही आए। तो फर्स्ट स्लाइड के लिए हम यहाँ पे टाइम सेट करते हैं, जैसे फर्स्ट स्लाइड के लिए हमने टाइम सेट कर दिया 6 सेकेंड्स यहाँ पे सेट किया। अब सेकंड पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टाइम सेट करेंगे 5 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 5 सेकेंड्स ये रखे। अब थर्ड के लिए हम टाइम सेट करेंगे यहाँ पे 4 सेकेंड्स, तो ये हम यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे जैसे 4 सेकेंड्स। तो थर्ड स्लाइड के लिए हमने यहाँ पे 4 सेकेंड्स यहाँ पे भरा। अब तीनों स्लाइडों को हमने ये टाइम सेट कर दिया। ये देखो, थर्ड स्लाइड के लिए हमने 4 सेकेंड्स रखा, सेकेंड स्लाइड के लिए हमने 5 सेकेंड्स रखा, फर्स्ट स्लाइड के लिए हमने 6 सेकेंड्स यहाँ पे रखे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जितना टाइम हमने सेट किया हुआ उतने सेकेंड्स के बाद ये अगली स्लाइड आती जाएगी बिना माउस क्लिक किए हुए। जैसे यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक किया, ये देखो अपने आप ही ये अब दूसरी स्लाइड आएगी 6 सेकेंड्स के बाद। ये देखो दूसरी स्लाइड आ गई, अब ये 5 सेकेंड्स के बाद अगली आएगी। ये देखो ये 5 सेकेंड्स के बाद अगली आ गई, अब ये 4 सेकेंड्स के बाद ये चली जाएगी थर्ड स्लाइड। ये देखो, तो इस प्रकार हम ये टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ट्रांजेक्शन टैब के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।